आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स। कल हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उनके रिलेशन में हमने पढ़ा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने गो थ्रू किया था कल। आज इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब उन कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं हम, तो उनको पढ़ने के बाद अब हमें पढ़नी है कि बुक्स मेंटेन कैसे की जाती है। अब बुक्स की बात करें तो सबसे पहले चीज आती है हमारी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज व्हाट? It is art of recording business transactions with a view to have permanent record and showing effect of the same on the web, which helps in ascertaining nature and value of the asset, amount of liabilities, whether profit is earned or loss is suffered. Alia, liabilities, whether profit is earned or loss is suffered, and solvency या insolvency of the business भी हमें found out करनी है, ठीक। इसके बाद journal, next term आती है journal। journal is जो कल हमने concept पढ़ा था, double entry concept। कल हमने ये पढ़ा था double entry concept या dual aspect पढ़ा था। इसमें ही मैंने आपको क्या बताया था, one thing is debited and other is credited, okay? तो अब इसमें क्या होगा, जनरल जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, each and every transaction by debiting one and crediting other aspect of a transaction. अब आते हैं हम कैश बुक पे। What is my cash book? Cash book is the book where we take or we enter day-to-day transactions which are undertaken in cash. Okay, so book which records all cash transactions divided into two halves, the debit and credit. How will you write it? This is my cash book. One side is payment side, other is receipt side. Okay, you have two columns here. One is for cash, other is for bank. Same goes for payment, cash and bank. जो payment आते हैं cash में की, वो cash column में लिखी। जो through check payment करी, वो bank column में लिखी। जो payment आपने receive करी cash में, वो cash में receive हो गई। जो payment through check receive करी या directly in the bank करी,
both receipt side of the bank में चलेंगे. ठीक है, clear? This is what my cash book looks. अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं. ये डिवाइडेड इनटू टू मैंने आपको बता दिया, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड पेमेंट. यहां तक क्लियर है सबको? बुक कीपिंग इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे हमें सारी ट्रांजेक्शंस जो हम एक दिन में करते हैं या पूरे साल में करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे जैसे वो होती जाती है. ठीक है, उनसे हमें पता लगता है डेटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस सफर्ड, और हमारी सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द बिजनेस. जर्नल एंट्री क्या होता है या जर्नलाइजिंग करना क्या होता है? जब हम लोग एक ट्रांजेक्शन को डुअल एस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, एक चीज डेबिट करते हैं और दूसरी चीज क्रेडिट करते हैं. और कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज द बुक वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन अंडरटेकन इन द कैश और थ्रू बैंक, वेदर वी आर रिसीविंग द मनी और वी आर पेइंग द मनी, that will be recorded in my cash book. Okay? Ma'am, journal को example के साथ समझा दीजिए please. हाँ जी. Journal को example के साथ समझा दीजिए. Journal का example बताऊंगी सर, ये पूरा topic आपका उसी से related है, तो थोड़ा सा wait कीजिए, आपको अभी समझ आ जाएगा. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. जब हमें journal कर में एंट्री पोस्ट करनी है तो उस एंट्री को पोस्ट करते हुए हमें क्या चीज को ध्यान रखना है? रिकॉर्ड कीपिंग का बेसिक पहले. इट इन्वॉल्व्स अ रेपिटेशन ऑफ थ्री प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, विच इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल. तो इसे लिख लीजिए कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है मेरा. अकाउंटिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. अकाउंटिंग साइकिल इज रिकॉर्डिंग, जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो यू रिकॉर्ड इट इन योर जर्नल एंड योर कैश बुक. ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन होता है उसका थ्रू लेजर्स. जितनी आप यहाँ जर्नल एंट्रीज करके आए हो, जितने अकाउंट्स आपने ओपन किए डेबिट और क्रेडिट, वो आप लेजर्स में पोस्ट कर देंगे. ठीक है, लेजर पोस्टिंग के बाद आता है समराइजिंग. समराइजिंग में आप क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और बनती है आपकी बैलेंस शीट. और बनती है आपकी बैलेंस शीट. तो हमारे पास ये तीन प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज. ठीक है, तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों के आसपास या इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल. अब आपके साथ आते हैं अपने टॉपिक पे. हमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर. जर्नल एंड लेजर के बीच में का रिलेशन जो है, जर्नल की बात करते हैं और लेजर की बात करते हैं. ऑर्डर,
इनके ऑर्डर की अगर बात करें तो जर्नल में एंट्रीज पहले लिखी जाती है और फिर जर्नल से लेजर में वो पोस्ट की जाती है। बुक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, नेचर क्या है इनका, बुक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और लेजर क्या है हमारा, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स है। एनालिटिकल क्यों है, क्योंकि हमें वहां पे सोच समझ के लेजर्स में एंट्रीज पोस्ट करनी है। जर्नल इज मोर रिलायबल एंड लेजर इज लेस रिलायबल। जब आप एक जर्नल एंट्री करते हैं उस जर्नल एंट्री के बाद ही आप लेजर में पोस्ट करेंगे, जब आपने जर्नल एंट्री सही करी होगी तो दैट मीन्स लेजर पोस्टिंग मेरी सही होगी, अगर आपने सही से पोस्ट किया है। इन केस अगर लेजर पोस्टिंग गलत है या कहीं पे कुछ आप रिकॉर्ड करना या पोस्ट करना भूल गए तो दैट मीन्स हम किसे ध्यान में रखेंगे, हम जर्नल को सही मानेंगे, क्योंकि जर्नल इज द फर्स्ट बुक जिसके हिसाब से हमें ट्रांजेक्शन करनी है। वो बात अलग है कि अगर जर्नल में ही गलती है तो फिर वो कंटिन्यूएशन में गलती ही रहेगी, आगे से रखकर वो पकड़ी जाए। जब हम जर्नल को नाम देते हैं तो उसके टर्म क्या है, जर्नलाइजिंग, और जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है, जर्नल एंड लेजर, कोई डाउट इसमें किसी को, ओके, देयर इज नो डाउट। चल आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। अब अगर कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास बेसिकली टू कैटेगरीज है, फर्स्ट इज इंपर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज पर्सनल अकाउंट। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैम स्क्रीन बहुत लाइट है तो दिख ही नहीं रहा है। ओके मैम आई जस्ट चेक इट, थोड़ा डार्क कर लीजिए ना जो लिखा हुआ है येलो में। जी जी जी, आई गेस नाउ इट इज क्लियर, ठीक है, अदरवाइज मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इंपर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट हमारे दो तरीके से बाइफरकेटेड है, कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, फर्स्ट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में हमारे पास दो तरीके के अकाउंट्स है, रियल एंड नॉमिनल। जो हमारे रियल अकाउंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू फिक्स असेट्स, दे आर रिलेटेड टू फिक्स असेट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, दे आर मेंटेन्ड टू डिस्क्लोज nature of a transaction, जो हमने ट्रांजेक्शन की उसकी नेचर को डिस्क्लोज करने का काम किसका है, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स हमारे पास थ्री टाइप्स में है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया,
then we have natural person, artificial and representative. Natural personal account, and then we have representative personal account. ठीक, ये क्लियर है सबको कि कैटेगरीज ऑफ अकाउंट में हमारे पास दो टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल जो है तीन तरीके से बाइफरकेटेड है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव. उसके बाद इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अब इनके बारे में पढ़ते कि ये स्पेसिफिक अकाउंट्स से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें क्या ध्यान रखना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन एन पर्टिकुलर अकाउंट. पर्सनल अकाउंट की बात करें, पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जिसने पैसे रिसीव किए वो डेबिट हो जाएगा और जिसने पैसे दिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको समझाऊं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब अगर एक ट्रांजेक्शन है, राजेश रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम मनीष, हु विल बी द रिसीवर एंड हु विल बी द डेबिट, हु विल बी द गिवर. Give me an answer, all of you. Yes, who will give me an answer? Anupama ka answer hai, Rajesh is the receiver and Mahesh is the giver. How will you write it in debit and credit? We will write Rajesh account debit to Mahesh account. This is what? This is journal entry. किसी ने क्वेश्चन के स्टार्ट, जब टॉपिक की स्टार्टिंग हुई थी तब पूछा था ना कि जर्नल समझा दीजिए, तो दिस इज जर्नल. जर्नल एंट्री इस तरीके से पास होती है, राजेश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, ये एक एंट्री है. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और, मेरी किताबों में मेरा नाम कभी नहीं आता, करेक्ट? मेरी पासबुक में मेरा नाम कहाँ होता है? सिर्फ फ्रंट पेज पे छपा होता है मेरा नाम. अगर मैंने कैश विड्रॉ किया या मैंने कैश डिपॉजिट किया तो उसकी नरेशन क्या होती है, कैश डिपॉजिटेड या कैश विड्रॉ, डेबिट या क्रेडिट हो जाता है. एम आई राइट? ठीक है, तो my name will never be shown in my books. My name will never be shown in my books. Okay. So, if I am
Rajesh. Rajesh receives rupees 10,000 from Manish. ठीक है, ये एंट्री मैंने बता दी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बट मेरी बुक्स में मेरा नाम तो आएगा नहीं. वी आर राइटिंग हूज बुक्स? वी आर राइटिंग राजेश की किताबें लिखी जा रही. तो जब उसकी किताबों में उसका नाम नहीं आएगा तो उसने पैसा तो रिसीव किया, बट किससे किया? मनीष से किया. तो मनीष का नाम तो क्रेडिट हो गया, वो होना भी चाहिए. अब आप डेबिट क्या करोगे? जब मेरी बुक्स में मेरा नाम नहीं आएगा तो उसकी जगह कुछ तो आएगा, क्या लिखूं? एनी आइडिया? बताएगा कोई क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पर? ओके, आई गॉट टू आंसर्स. भूपेंद्र सेज कैश, अनुपमा ऑल्सो सेज कैश. वेरी गुड. सो आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट. अच्छा, अगर यही बात मैंने महेश की बुक्स में रिकॉर्ड कर ली होती तो महेश की बुक्स में एंट्री क्या आती? बताओ जरा, महेश की बुक्स में एंट्री क्या आएगी? क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई. नोबडी नोस द आंसर. जब हम महेश की बुक में एंट्री करेंगे तो राजेश को पेमेंट मिली है, तो डेबिट द रिसीवर. राजेश अकाउंट डेबिटेड. और इसने पेमेंट कैसे करी? कैश में करी, तो इसका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया टू कैश. रिलेट कर पा रहे हो कि एक एंट्री जो हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उस एंट्री को अगर हमें इंडिविजुअल पर्सन की किताबों में करना है तो राजेश की बुक में उसका नाम नहीं आएगा, महेश की बुक में महेश का नाम नहीं आएगा. तो एंट्री डबल एंट्री एस्पेक्ट कैसे मीट करेगी? जब हम कैश को या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे. क्लियर? चलिए, सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं. डेबिट इन पर्सनल अकाउंट मींस द पर्सन हैज बिकम डेटर ऑफ द बिजनेस और इफ ही वाज अ डेटर अर्लियर, नाउ द अमाउंट ऑफ डेट और असेट हैज इंक्रीज. अब इसका क्या मतलब है? पर्सनल अकाउंट में एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने मुझसे सामान खरीदा था और वो सामान उन्होंने उधार पे खरीदा 1,00,000 रुपए. ठीक है, इस लाख, इस 1,00,000 के रिस्पेक्ट में भी पेमेंट नहीं है. ही इज अ नोन पर्सन, मैं जानती हूं इन्हें. इन्होंने मुझसे और माल खरीदा 20,000 का, तो मैंने इनको वो भी बेच दिया. तो इनका जो डेबिट है वो कितने से बढ़ गया? 1,20,000 के बदल. He is what to me? He is a debtor. And debtor is what? A current asset. And assets are always debited when their balance is increased.
समझ पा रहे हो इस चीज को? मैंने उसे पहले 1 लाख का सामान भेजा था, उसकी उसने पेमेंट अभी तक नहीं की, फिर मैंने उसे 20,000 का माल और भेज दिया, तो टोटल हो गया 1,20,000। अब इस 1,20,000 के लिए वो मेरा क्या है, डेटर? डेटर कौन हुआ, मेरा लेनदार या मेरा देनदार, इसने मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, तो ये मेरा देनदार है, तो वो मेरे लिए क्या है, असेट, नेचर ऑफ द असेट, करंट असेट। और ये डेबिट होते हैं क्योंकि जब इनका बैलेंस इंक्रीज होता है, तो दैट मींस हमने असेट इंक्रीज किया। और अगर ये इंसान मुझे पेमेंट कर दे, ठीक है, इसने क्या किया, इसने पेमेंट कर दी से 50,000, तो अब क्या होगा, इसका बैलेंस रिड्यूस होगा या बढ़ जाएगा, बताओ? अगर इसने मुझे पेमेंट कर दी से 50,000 की, इसका बैलेंस कितना रह जाएगा, 70,000। तो आप जब इसने मुझे पेमेंट की होगी तो मैं एंट्री क्या करूं, कैश अकाउंट टू मिस्टर एक्स 50,000 से, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था ये एक्स जो है मेरा डेटर है, वो असेट है, असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, आप उसे यहाँ क्रेडिट क्यों कर रहे हो? मैं उसे यहाँ क्रेडिट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने 1,20,000 में से मुझे 50,000 दे दिए, तो अब मुझे उसका जो डेट है वो रिड्यूस करना है। इस ट्रांजेक्शन से हुआ क्या, जो मेरा डेटर था वो रिड्यूस हो गया और जो मेरा कैश था वो इंक्रीज हो गया, तो एक असेट बढ़ा और दूसरा कट गया। समझ आया सबको? तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए, तो मतलब मैं ये मान लूं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, सबको समझ आ रहा है। क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट मींस द पर्सन इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड एनी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी व्हिच हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब आपने गुड्स परचेज किए थे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आई एम राजेश, राजेश परचेज goods worth rupees 50,000 from Rajiv. तो राजीव अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? सेल अकाउंट डेबिटेड राजेश अकाउंट, राजेश के बुक्स में अगर मैं बात करूं तो इसने परचेज किया, परचेज अकाउंट
टू राजी, अब ये राजी मेरा क्रेडिटर हो गया और राजी के लिए मैं डेटर हो गया, ठीक है। अब मैंने 50,000 का माल खरीदा, सब्सिक्वेंटली मैंने इसे सेकेंड टाइम 70,000 का माल और खरीद लिया, तो मेरे एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट राजी, तो 50,000 मैंने यहाँ खरीदा था और 70,000 मैंने यहाँ खरीदा, तो टोटल ड्यू कितना हो गया, 1,20,000 की मेरी लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो अब 50 + 70 1.20 हो गई, 1,20,000 हो गई। अगर मैं इसे पेमेंट कर दूं, ठीक है, मैंने पेमेंट की 60,000, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, पैसे कौन रिसीव कर रहा है, राजीव, राजीव अकाउंट डेबिटेड 60,000 और मैंने पेमेंट करी उसे कैश में, तो अब यहां क्या हुआ, नोटिस किया क्रेडिटर रिड्यूस हुआ और असेट वो भी रिड्यूस हुआ, अंडरस्टूड, कंफ्यूजन तो नहीं है, चलिए कैसे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो फॉर्म में अंदर आया उसे हम डेबिट करते हैं, जो फॉर्म से बाहर गया वो हम क्रेडिट करते हैं। कॉन्सेप्ट भाई, डेबिट इन रियल अकाउंट मींस द वैल्यू ऑफ असेट हैज इंक्रीज्ड, फॉर्म ने या तो नया असेट खरीदा होगा, ठीक है, फॉर्म हैज एक्वायर्ड अ न्यू असेट और एडिशनल मशीनरी एक्वायर की गई है एग्जिस्टिंग मशीनरी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक। अगर क्रेडिट हो रहा है रियल अकाउंट में तो हमने असेट को डेप्रिशिएट किया या हमने उसे सेल आउट कर दिया, डिस्पोज ऑफ करना है सेल करना, एंड डेप्रिसिएशन लगाना है हमने उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया कि इतना यूज करने के बाद वो कितना वैल्यू उसकी रह गई। ये रियल अकाउंट और डेबिट अकाउंट इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, मशीनरी परचेज, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या होगी, जो चीज खरीदी है उसी को अकाउंट को डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, अगर बैंक से पेमेंट की तो बैंक लिखेंगे, अगर कैश से तो पेमेंट की तो कैश लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और भी बैंक अकाउंट, अगर मशीनरी बेच दी, अगर मशीनरी बेची है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, एक मेरा फिक्स एसेट एक मेरा करंट एसेट, एक बढ़ गया तो दूसरा रिड्यूस हो गया, एक बड़ा तो दूसरा रिड्यूस हो गया, ठीक है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया उसे हमने डेबिट किया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। मशीनरी बेची, मशीनरी फॉर्म से बाहर हो गई तो मशीनरी अकाउंट, कैश आया उसे बेचने की वजह से तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसके बाद लास्ट अकाउंट टाइप होते हैं नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, सारे डेबिट होते हैं। जितनी भी इनकम्स हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। डेबिट इन द नॉमिनल अकाउंट मींस बिजनेस हैज सफर्ड लॉस और देयर आर एक्सपेंसेस व्हिच आर अंडरटेकन बाय द फर्म। क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट मींस बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट्स and there are incomes which the firm generated in the particular period. अब इसके लिए क्या करते हैं? Salary expenses, salary account debited. Rent expenses, को debit. Printing है, stationery है, डेबिट। और इनको पे जैसे किया वो मोर क्रेडिट कर दो, ठीक है। अगर रेंट रिसीव किया तो टू रेंट रिसीव, टू सैलरी रिसीव, टू इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अब ये सारी ट्रांजेक्शंस थ्रू बैंक हुई तो बैंक अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो दीज आर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आज का सेशन हम यही तक जो है कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।